Assalamu alaikum, this is Abdul Rafi ACA, and in today's video we are going to talk about firm articles versus industry articles. Kya fark hai dono mein, kaun se behtar hain, aur ji scope of CA in Pakistan and outside Pakistan, and a very hot question, salary of a fresh qualified chartered accountant. So let's start the episode without wasting any time. Question that we have is difference between industry articles and firm articles. Which one is better? तो industry articles और firm articles का मतलब यही है कि या तो आप किसी industry में जाके articleship करो जो कि काफ़ी industry जैसे PTCL है, SNGPL है और banks हैं कुछ जो कि आपको articles offer करते हैं which are certified from ICAB, यानी कि ICAB उनको मानता है. Secondly, आप किसी भी firm में जाके articles कर लो. तो majority लोग तो firm में जाके articles करते हैं क्योंकि firms में articles ज़्यादा होते हैं as compared to industry, लेकिन लोग industry में भी करते हैं. अब प्रोज एंड कॉन्स मैं बता देता हूँ कि क्या है. मेरी नज़दीक जो है वो फर्म के आर्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं इंडस्ट्री के आर्टिकल्स से. हालांकि आपको इंडस्ट्री के आर्टिकल्स में पे थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, स्टाइपेंड ज़्यादा होता है, बट स्टिल होता यह है कि आप इंडस्ट्री जाओगे, आप किसी एक इंडस्ट्री में चले गए, अब आपने 3.5 साल उसी जगह पर काम करना है और आपने उसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिवॉल्व जो है सारी लर्निंग करनी है. हाँ, आप सारे एरियाज़ देख लोगे, आप वो जो है और मैनेजमेंट नेचर के वर्क भी शायद वहाँ पे बेहतर तरीके से हैंडल होता हो. लेकिन फर्म में क्या होता है कि फर्म में एक तो सीएस बहुत ज़्यादा होते हैं ऊपर और आपके इर्द गिर्द, दूसरी चीज़ ये कि आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट करते हो. जब आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट करते हो तो आपको डिफरेंट एक्सपोजर्स मिलते हैं, यानी कि हर इंडस्ट्री में जो है वो सिमिलर आपने प्रोसीजर्स ही लगाने होते हैं. इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ इंडस्ट्री इस तरह की होती हैं जहाँ पे बिल्कुल ही उलट होता है, एक जगह ए टू जी होता है, दूसरी जगह जी टू ए होता है. तो वो जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको फर्म में ही मिलेगा. और जब आप 3.5 साल के आर्टिकल्स के बाद निकलोगे तो आपके पास जो है वो 6 से 7 इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस होगा. आपकी जो लिंकेज है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि आप वहाँ पर क्लाइंट से डील करते रहे हो और आपकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी कि मैंने आया तो फर्म में रुकना है या फिर मैंने इंडस्ट्री मूव करना है और मैंने कौन सी इंडस्ट्री मूव करना है. तो इंडस्ट्री में अगर आप हो गए तो आप सिर्फ एक ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाओगे, उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज़ उसी में होंगी. आप कहीं स्विच करना चाहो 3.5 साल बाद तो इट विल बी डिफ़िकल्ट क्योंकि ज़ाहिर है एक्सपीरियंस उस टाइम पर बहुत मैटर करता है कि आपका किस चीज़ में एक्सपीरियंस है. सो मेरी नज़दीक जो है वो फर्म के आर्टिकल्स आर बेटर. वॉट इज़ द स्कोप ऑफ सी ए इन पाकिस्तान? अच्छा जी, ये बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग सा सवाल है और मैं इसमें थोड़ी सी तल्ख बात ये करूँगा कि पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात है ना, कोई भी फील्ड है उसका स्कोप इस टाइम पाकिस्तान में अच्छा है नहीं, क्योंकि बिज़नेस के हालात इस तरह के हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर की वजह से बिज़नेस ज़ाहिर है उस तरह से अर्न नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए. जब वो उस तरह से अर्न नहीं कर रहा तो वो सैलरी उस तरह से इंक्रीज़ नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए. सैलरीज इंक्रीज़ नहीं हो रही लेकिन इन्फ्लेशन तो इंक्रीज़ हो रही है, पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है. तो हो क्या रहा है कि आपकी जितनी भी तनख्वाह हो यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो ऊपर लेके जाना होता है, नीचे जाते हुए बहुत दुख होता है. तो अभी जो हालात है ना उसमें आपका लाइफस्टाइल ऊपर जाना बहुत मुश्किल है. और अगर आप सोचो कि यार मैं कोई फॉरेन ट्रिप मारना चाहता हूँ या मैं कोई और, मतलब कोई अपनी ज़रूरियात से हट के मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जो के फॉर प्लेजर करूं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है आजकल. तो देखा जाए तो स्कोप सीए का है तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको कंपेयर करूं 5-10 साल पहले की नस्बत तो इट हैज़ डिक्रीज्ड. बट ऑन दी अदर हैंड सीए करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाती है. अगर आप बाहर जाना चाहते हो यू कैन ईज़िली मूव आउट. फर्म्स बहुत सारी इस तरह की हैं जो कि ग्लोबली इंटीग्रेट हैं, बिग फोर के अलावा भी आप उनमें भी मूव कर सकते हो और आप किसी और वहाँ की बाहर की लोकल फर्म में भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज पाकिस्तान के सीए की भाई दुनिया में वैल्यू है और बहुत लोग हज़ारों की तादाद में जो है ना वो सीएस हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो उस लिहाज से सीए का ओवरऑल स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं देखूँ तो इट्स, मतलब आप बाहर से कंपेयर करोगे कि मैं अगर बाहर जाके कमाऊं और मैं यहाँ पे कमाऊं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. कैन वी मूव टू यूएस इफ़ वी वांट टू? यस, यू कैन मूव टू यूएस आफ्टर डूइंग सीए.
बस फ़र्क ये है कि यूएस में जो है वो IFRS स्टैंडर्ड्स नहीं लगते, वहाँ पे दूसरे लगते हैं, क्या नाम है उनका, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, पता नहीं जो भी नाम है, गैप आई थिंक, हाँ गैप, तो वहाँ पे वो लगते हैं। बट आप, मेरा ख्याल है वहाँ पे जॉब हो जाती है और वो फिर आपको 2-3 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसके अंदर वो एक ट्रांजिशनल आपको IFRS से उसकी तरफ ले जाते हैं। सो फिर ये है कि यू कैन मूव और स्कोप है। वॉट इज़ द पे रेंज ऑफ अ फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट? ये ना ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब दूंगा ना तो काफ़ी लोग शॉक हो जाएंगे, क्योंकि एक वो मार्केट में परसेप्शन है ना कि जी बुढ़ावा पैसा छाप रहे हैं सीए वाले, तो पाकिस्तान में जो है वो छाप रहे हैं लेकिन बड़ा नहीं अब वो रहा, क्योंकि अब जो है ना वो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो पैसे आपको अब सही नहीं लगते। मतलब अगर आप आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले देखो, तो गाड़ी आपकी जो है वो एक बिल्कुल, यानी कि जो 660 cc गाड़ी होती है वो 15 से 20 लाख में आ जाती थी, अब वही गाड़ी आपकी 30 से 40 लाख में आती है। तो इस वजह से पे स्केल जो है वो इंक्रीज़ उस तरह से हुआ नहीं, तो अब वही पे स्केल आपको थोड़ा लगता है। यानी कि अगर मैं बिल्कुल ब्रूटल होके, ऑनेस्ट होके बात करूँ ना, तो एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई किया है, उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है इट इज़ अराउंड 120,000 to 150,000, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ वो थोड़ी 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 इंक्रीज़ करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें बूम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं बात करूँ कि 5 साल पहले, 7 साल, 8 साल पहले स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, तब भी इतनी थी, तब 1 लाख, 1,20,000 थी, अब 1,20, 1,50 है। तो आप उसको कंपेयर करें कि इन्फ्लेशन कितनी है और पे स्केल कितना है, तो मायूसी है। लेकिन हर फील्ड में जो है ना वो, मतलब कोई इस तरह की फील्ड नहीं है जहाँ पे जी इससे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव पैकेजेस मिल रहे हो। IT की फील्ड एक ऐसी है जो कि काफ़ी ग्रो की है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि उसने और ग्रो करना है बिकॉज़ उसका मॉडल इस तरह का है, उस पर भी मैं बात करता हूँ। तो चलिए IT पे बात निकल आई है, तो IT पे बात करते हैं कि IT का जो मॉडल है ना इस टाइम, वो है बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या रिसोर्स आउटसोर्सिंग वाला। उसमें क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप पे काम करना है ना, आप अपने घर से भी काम कर सकते हो, तो आप काम पाकिस्तान के लिए करो या आप बाहर के लिए करो। फ्रीलांसिंग का ये जब कल्चर आया कि लोग यहाँ से बैठ के फाइवर पे, फलानी नमकानी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, वहाँ के प्रोजेक्ट्स लेके उस पर काम कर रहे थे, तो कंपनीज़ ने भी इसके अराउंड वर्किंग की। और अब बहुत सी ऐसे IT कंपनीज़ हैं जिनकी, जो अपनी रिसोर्स आउटसोर्स करती है, जो उनका एक्सपोर्ट है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब आप जो है यहाँ पे बैठ के किसी बाहर वॉलमार्ट, अमेज़ॉन वगैरह के लिए काम कर रहे हो, या आप किस कोई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो आपको डॉलर्स में जो है वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड इन दिस इकॉनमी, बिकॉज डॉलर जो का जो इस टाइम रेट है, आई थिंक इट्स 280 to 290, तो वो जो है ना यहाँ पर आके एक बड़ा ही हैंडसम अमाउंट बन जाता है। तो इसी तरह जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, फिर कुछ छोटी कंपनीज़ हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे काम कर रही हैं, वो आपको पे भी डॉलर में कर रही हैं। कुछ बाहर की कंपनीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयज़ यहाँ से हायर कर रही हैं, यहाँ पे उनसे काम करवाती हैं, बट वो हैं बाहर रजिस्टर्ड। तो इसके अराउंड जो है वो अभी स्कोप है IT का, और इसका स्कोप बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो लेबर सस्ती है। यानी कि आपको अगर एक बाहर का एम्प्लॉयर यहाँ पे 3 लाख दे रहा है, तो आपके लिए बड़ी अच्छी अमाउंट है, तो और उसके लिए वो बड़ी रीज़नेबल अमाउंट है, उसके लिए तो चंद डॉलर बने ना, तो एक बैलेंस बड़ा अच्छा सा क्रिएट हुआ है कि अगर हम अपने आप पे मेहनत करें और अपने स्किल्स को इन्हेंस करें, तो दिस इज़ अ वेरी बिग इकॉनमी जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और उससे आपके मुल्क के हालात भी बेहतर हो सकते हैं। आई पर्सनली बिलीव डैट। इसी तरह अकाउंटिंग का भी प्रोफेशन इस तरह का है कि आप रिमोटली काम कर सकते हो, और कुछ ऐसी फर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ हैं, जो कि यहाँ से बैठ के बाहर के क्लाइंट्स करती हैं, और बाहर की फर्म्स उनको डायरेक्टली यहाँ पे हायर करती हैं। एंड आई थिंक के विद द पैसेज ऑफ टाइम, कोविड के बाद से ये बूस्ट आया, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होगा कि रिमोट जॉब्स बढ़ जाएंगी अकाउंटेंट्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल ना। और वर्क की क्वालिटी में और कम्युनिकेशन का भी ऐसा गैप नहीं है, टीम्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, और तो अगर इस तरह जो है वो चीज़ें बेहतर हो गई, तो पाकिस्तान में भी लोगों के जो है वो क्या कहते हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे। आई होप सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड, आई होप इट वॉज इंसाइटफुल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।